भोपाल में तीसरे चरण में मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि प्रशासन चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होने जा रहे हैं। भोपाल में तीसरे चरण में वोटिंग होगी, इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू हो गई है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आज यानी कि 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। नामांकन कक्ष CCTV की निगरानी में है। हमने पूरी तैयारी कर ली है, सुरक्षा की भी पुख्ता प्रबंध है। प्रत्याशी अब नामांकन भरने आएंगे। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसका जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहाँ पे आपने देखा होगा बैरिकेडिंग हो गई है, सुरक्षा की प्रबंध है। 100 मीटर की विसिनिटी के जो व्हीकल रिस्ट्रिक्शन के रूल्स हैं वो भी लागू कर दिए गए हैं। कच्छ में जो है CCTV वीडियोग्राफी उसका भी प्रबंध कर दिया गया है। 5 से ज़्यादा लोगों का उसमें प्रवेश नहीं हो सकेगा। तो इस तरीके से पूरी जो प्रोसेस है वो हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे हमारी पूरी टीम जो भी नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे एक्सपेंडिचर 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी आ चुके हैं जो एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग करेंगे। हमारा जो एक इंटीग्रेटेड जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है वो ऑपरेशनल हो गया है। वहाँ से कोई भी परमिशन ले सकता है, अगर कोई भी सभा करनी है एज पर रूल या कोई भी अन्य पॉलिटिकल कार्यक्रम की, तो वो परमिशन की भी हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। उसके लिए हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से लेने की सुविधा अवेलेबल है। हमारी सारी FST टीमें हर विधानसभा में 3-3 चालू हो गई हैं। SST टीम भी आज से फंक्शनल हो गई हैं। इसके अलावा वीडियो बीम टीम, वीडियो सर्विलांस टीम, जो हमारे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए टीम है, जो हमारी अकाउंटिंग टीम है, वो सब भी काम करने लग गई हैं। इसके अलावा हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग थी वो पूरी हो गई मैन पावर की। अभी सेकंड ट्रेनिंग भी जो है इसके बाद हम करेंगे 20 तारीख के बाद, और फिर थर्ड ट्रेनिंग उसकी भी हमारी तैयारियां हैं। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम की प्रिपरेशन है EVM के लिए वो भी पूरी हो गई है। तो इस तरीके से जो जो हमारे मतदान केंद्र हैं वहाँ पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की भी सुविधा है। और हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि हम वहाँ छाया की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, ORS की व्यवस्था करेंगे, तो समय निकाल के वोट करने जरूर आएँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।